हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस टेक। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट लेटर्स की। तो ऑब्जेक्ट लेटर्स को हम यूज क्यों करते हैं पहले ये जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट चीजें जो मैंने डिस्कस की थी आपके साथ जावास्क्रिप्ट में, एरेज, फंक्शंस, उनको आप वॉच कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। और ये हमारी कोर्स सीरीज चल रही है जावास्क्रिप्ट की, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और ये एक जॉब प्लेसमेंट कोर्स है जिसको आप करने के बाद इजिली जो है इंटर्नशिप या जॉब पर जा सकते हैं। अगर आपने मेरा HTML और CSS वाला कोर्स नहीं देखा तो आप वॉच कर सकते हैं, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और एंड स्क्रीन की जो वीडियो जब एंड होगी तो आखिरी में जो आपके पास स्क्रीन आती है वहाँ पर भी आपको वो कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपने VS टर्मिनल पे आ जाता हूँ, VS कोड पे, ठीक है। टर्मिनल मैंने ओपन नहीं किया, अभी VS कोड का जरूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेटर्स बनाने के लिए हमें ये पता करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हमें की वैल्यू पेयर डेटा चाहिए होता है, अगर लेट्स से अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा इजी करूँ आपके लिए, तो जैसे मेरा नाम है बशीर अहमद, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट नेम क्या है बशीर और लास्ट नेम क्या है बशीर अहमद, ठीक है। यानी कि लास्ट नेम मेरा क्या है अहमद, तो ये मेरा पूरा नेम हो गया, फुल नेम बशीर अहमद। जब हमें एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है, फुल नेम, इस तरह का डेटा चाहिए होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको आप प्रॉपर्टी और वैल्यू भी कह सकते हैं, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से सिंपल ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। इसके बाद हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी देखेंगे। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई मेथड लगाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एरे कॉल करना चाहते हैं, एरे बनाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं कॉन्स्ट वेरिएबल लूंगा, ठीक है, ओबीजे के नाम से, और इसमें मैं असाइन कर दूंगा इस तरीके से ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट असाइन करने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, अपनी जो आपकी जो की होंगी और वैल्यूज होगी उनको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम, ठीक है, पहले लेता हूँ मैं एफ नेम, ठीक है। आप कॉन्स्ट ओबीजे जो मैंने लिखा हुआ ये वेरिएबल का सिंपल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टूडेंट लेने, पर्सन लेने, कुछ भी ले लें। एफ नेम इसके साथ मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, मुझे लगाने होते हैं इस तरीके से कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, विच इज जैसे मेरा नाम है बशीर, ठीक है, ये मेरी वैल्यू है बशीर। अब ये जो एफ नेम है ये क्या आपकी प्रॉपर्टी या फिर आप इसको कह सकते हैं की है, इसको हम की और वैल्यू के नाम से जानते हैं। वैल्यू क्या आपकी, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास बशीर, ये मेरी वैल्यू है और ये मेरी एफ नेम की है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और की बनानी है और उसको एक और वैल्यू उसमें मुझे असाइन करनी, यानी इनिशलाइज करनी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एल नेम, और इसी तरीके से मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अहमद, ठीक है। अब लेट्स से एज मुझे लिखनी है तो एज मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, और ज़ाहिर है मुझे अब नंबर पुट करना है तो मैं यहाँ पर कोई कोड नहीं लूँगा, ना सिंगल कोड ना डबल कोड, मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा एज। यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया जैसे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपकी एज हो। अब मुझे ईमेल चाहिए तो मैं यहाँ पर ईमेल भी लिख सकता हूँ, ज़ाहिर है ईमेल स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखनी होती है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूंगा, लेट्स से abc@gmail.com। ये मैंने क्या किया, मैंने ईमेल पुट कर दी। अब ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आप इसको कॉल कैसे करेंगे, आप सिंपल हैं clg यानी console.log, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँ। जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा obj, तो अभी पूरा आपके ऑब्जेक्ट आपको जो है वो आपके आउटपुट पे ब्राउजर पे शो होंगी। कंसोल के अंदर हम देखेंगे इसको, क्योंकि कंसोल पे हम आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं तो हमें कंसोल पे देखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसे ब्राउज पे कर लेता हूँ जी रिफ्रेश, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया, जिसमें आपके साथ आपकी आपकी की भी शामिल है, आपकी वैल्यूज भी आपको शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट शो होता है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर की से वैल्यू उठानी है, ठीक है, इसका मेन काम यही होता है ऑब्जेक्ट का, कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर की से कोई वैल्यू उठानी है, ठीक है, ये काम करता है इसलिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल आए अपने VS कोड में, और मैं यहाँ पे ओबीजे यानी जो आपका ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है, उसके बाद आप लगाएं डॉट, इसके अंदर लिखूंगा मैं डॉट, आप मुझे चाहिए लेट से मुझे चाहिए एज, तो मैं एज के यहाँ पे कॉल करूंगा, सेव करूंगा, और मैं यहाँ पर इसी तरीके से करूंगा रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास क्या है, एज। इस तरीके से आप एक एक करके वैल्यूज उठा सकते हैं। मुझे ईमेल चाहिए, मैं यहाँ ईमेल लिख लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास ईमेल आ जाएगी। अब मुझे एज और ईमेल साथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लस लूंगा, डबल कोड ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप क्रिएट हो, और यहाँ पर मैं obj.age इस तरीके से लिखूंगा और सेव करूंगा, और आपको ब्राउजर पर दिखाऊंगा रिफ्रेश करके। तो मेरे पास एक एज भी आ गई और मेरे पास ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। इस तरीके से आप जितनी चाहे वैल्यूज उठा सकते हैं। एक और सिंटेक्स होता है आपको कॉल करने का, आप अपनी की से जो है वैल्यू उठा सकते हैं, एक और सिंटेक्स होता है हमारे पास, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो प्रोफेशनल जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि आप obj.email इस तरीके से उठाएं। clg करता हूँ मैं, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ obj, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे आप इस तरीके से, और आप अपने की को कॉल करेंगे। अब जैसे मुझे कराना है एफ नेम को, तो यहाँ मैं एफ नेम लिखूंगा और सेव करूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें मेरे पास ये वैल्यू आ रही है एफ नेम की। क्या थी वैल्यू, बशीर थी। तो याद रखिए जो पहली कॉलन से पहले वाली आपकी की है और कॉलन के बाद वाली जो आपकी वैल्यू है, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं एफ नेम
जो कॉलम से पहले वाला है जो भी चीज़ आपकी, वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, और देन उसके बाद जो कॉलम के बाद वाली राइट साइड में, जो कॉलम के राइट साइड में चीज़ है वो क्या आपकी वैल्यू है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट था जो कि मैंने आपको बना के अभी दिखाया है। अभी हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखते हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एरे कैसे बना सकते हैं। मैं आपको इसी में करके दिखाता हूँ, इसी में मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा। मैं अभी के लिए फिलहाल इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से ये सिंटैक्स इसका, अब मुझे एरे बनाना है, तो एरे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ए आर आर, मुझे एरे का नाम है मेरे, कॉलन दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि आपको पता है एरे की पहचान होते हैं एरे को यूज़ करने की, तो यहाँ पर मैं वैल्यू ले लूँगा, लेट्स से उसामा, ठीक है, और एस ओ एच ए बी सुहेब, ठीक है, एंड यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं, विच इज जुहेब। ये मैंने तीन वैल्यू ली। अब मुझे ये एरे उठाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो सिंपल आपने चेक कर लिया कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है, मुझे एरे चाहिए, तो मैं कैसे उठाऊंगा एरे की वैल्यूज को, कैसे उठाऊंगा, तो देखिए सारा सिंटैक्स का आप लिखेंगे ओबीजे, ओबीजे डॉट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, अपने एरे को कॉल कराना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास पूरा आपके पास एरे उठ के आ रहा है, ठीक है। उसकी लेंथ भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी लेंथ है, हमारे पास जो डेटा है उसकी लेंथ कितनी, तो लेंथ उसकी आ रही है 3। इस तरीके से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी बना सकते हैं। अब मुझे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू उठानी है, तो मैं मुझे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, मुझे इंडेक्स डिफाइन करनी है। एरे में हम क्या डिफाइन करते हैं, इंडेक्स को डिफाइन कर देना। तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा और यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा ब्राउजर पर रिफ्रेश, तो ये देखिए उसामा मेरे पास वैल्यू हो गई। अगर मुझे एक और ऐसी कोई दूसरी उठानी है, लेट्स से 2 पे उठानी है, 2 पे जो मेरे पास वैल्यू थी वो थी सुहेब, तो मैं सुहेब, सॉरी नॉट सुहेब, जुहेब थी वैल्यू, थोड़े से नाम से मिला रहे, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये आप ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, अपनी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप जो एरे बना रहे हैं, एरे की पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक किसी वैल्यू को भी उठा सकते हैं, और पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आपने कॉल करना है, वो तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरीके से, अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है, तो मैं फिलहाल के लिए अभी मैं ये एरे हटा देता हूँ, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना है ना इसके अंदर। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक तरीका अप्लाई करता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ओबीजे, ठीक है, ओबीजे लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मुझे ये चीज़ कॉलन भी देनी है, जब मैं कॉलन दूंगा तभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पर असाइन नहीं करना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर नाम जो है वो सिमिलर रख दिया है, यहाँ भी ओबीजे, यहाँ भी ओबीजे, तो यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, पर्सन कर लेता हूँ। और यहाँ पर्सन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट से मुझे कुछ और डेटा उठा किसी पर्सन का, तो यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ, जैसे कि आपके सामने होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से चैनल कॉलन, और मैं लिखता हूँ चैनल का नाम भी स्किल्स टेक, ठीक है, और प्लेटफॉर्म, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे यूट्यूब एंड फेसबुक। इस तरीके से आप जितनी चाहे वैल्यू ले सकते हैं। अब मुझे इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से उठाऊंगा, सीएलजी करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ओबीजे डॉट पर्सन, ओबीजे जो आपका पहला आउटर, जो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है आउटर, आप पहले उसको कॉल करेंगे, देन अपने इनर ऑब्जेक्ट पर्सन, पर्सन को कॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, ठीक है। आप फिलहाल आपको पूरा ये पूरी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको पूरी करके दिखा देता हूँ पहले, इसको मैं कर दूंगा जी पर्सन। अब मैं देखता हूँ अपने आउटपुट प्रेजेंट, तो ये देखिए आपके साथ यहाँ के आपका चैनल डिस्कस टेक, प्लेटफॉर्म यूट्यूब एंड फेसबुक, ये आप इस तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कॉल करा सकते हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कराना है स्पेसिफिक, तो आप डॉट लगाएंगे, और अगर मुझे चैनल चाहिए तो मैं चैनल लिखूंगा, अगर मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए तो मैं प्लेटफॉर्म लिख सकता हूँ, और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे पास वो एक जो मेरे पास स्पेसिफिक जो मेरी जो मुझे स्पेसिफिक वैल्यू अटैच करनी है वो आ जाएगी मेरे पास। इस तरीके से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम फंक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ। मुझे फंक्शन बनाना है सेम, मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैसे मुझे लिखना है ग्रीट, ग्रीट के नाम से मुझे फंक्शन बनाना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा फंक्शन। फंक्शन लिखने के लिए आपने फंक्शन कीवर्ड का लाजमी यूज़ करना है, उसके बाद आपने देने अपने जो आप फंक्शन की बॉडी हेड देते हैं और बॉडी डिक्लेयर करते हैं, आप उसी तरीके से फंक्शन लिखना है। मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, और यहाँ एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट्स मेथड्स एंड फंक्शन, मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट करा। आइए मुझे प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूँगा सिंपल, मैं यहाँ पे सी एल जी लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग ओ बी जे डॉट ग्रीट, जो कि मेरे मेथड का नाम। अब मैंने अपना मेथड कॉल करना है, तो मैं सिंपल रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये देखें दिस इज ऑब्जेक्ट्स मेथड्स एंड फंक्शंस। इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं,
ठीक है, किसी भी अगर आपने मेथड को कराना है तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के जो अंदर जो मेथड बने हुए हैं उनको अगर आपने इस तरीके से दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ होती है सिंपल ऑब्जेक्ट वो भी हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो बनाने थे वो भी हमने कर लिया, एरे भी करके देख लिया ऑब्जेक्ट के अंदर के एरे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देन फंक्शन भी देख लिया। इस तरीके से हम ये सब चीज़ें स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो आप जब तक सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।